Hey you guys, welcome to my channel. Hope you guys are doing well. So I'm coming with another episode of eye makeup. ये eye makeup suitable आपके brides के लिए. तो let's see how I create this beautiful eye makeup with smudge wing liner. With the ब्रो आई एम यूजिंग हियर PSE ब्रो डिफाइनर. गाइज PSE की ब्रो डिफाइनर काफ़ी अच्छी है, इतनी पिगमेंटेड है कि आप ब्राइट्स पे भी दे सकते हो. नॉर्मल पार्टी मेकअप का भी चाह रहे हो ब्रोज डिफाइन करना, लाइट सी ब्रोज डिफाइन करना, तो आप वो भी कर सकते हो. तो बहुत अच्छी पिगमेंट है, तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें. नाउ आई एम यूजिंग हियर मेबलिन कंसीलर इन द सेड आइवरी. तो ये आइवरी शेड मैं लगा रही हूँ क्योंकि आइवरी शेड आप लगाओगे जो भी आपकी कंसीलर जो कि थोड़ी फेयर टोन की है वो आप आई मेकअप के लिए रखो, बहुत अच्छे से कलर्स पॉप होके आते हैं. तो आप जब भी कंसीलर लगाते हो आप ट्राई करो कि उसको अच्छे से सेट करके जो भी एक्सेस है ब्लेंडर की हेल्प से निकालो. एंड इसको मैं पाउडर की हेल्प से सेट कर रही हूँ ताकि क्रीज ना बने. पाउडर मैंने यूज़ किया था कॉम्पैक्ट पाउडर मेबलिन की. अब मैं क्रीज डिफाइन करूँगी. फॉर द क्रीज आई एम यूजिंग हेयर ब्रॉन्ज के शेड. जितने ब्राउन शेड होते हैं लाइक आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हो, लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन, ये सब के आप सारे कलर्स के साथ एक क्रीज को डिफाइन करो जो फेक क्रीज होती है. आप जब अपने आईज को ओपन करोगे तो उसके ऊपर से जो एक लाइन बनेगी वहाँ से आप क्रीज डिफाइन करोगे. फेक क्रीज को आप बहुत अच्छे से डिफाइन करोगे. कलर्स की जो पिगमेंट है आपके ब्रो बोन तक जाते जाते बिल्कुल फेड हो जानी चाहिए, ऐसे आपको डिफाइन करना है. एडिंग पिंक कलर के आई शेडो. पिंक कलर के आई शेडो को मैं अपने ब्रॉन्ज जो भी ब्राउन कलर की शेड थी उसके साथ उसको मिक्स करूँगी. जैसे मान लो आपने दो कलर्स को लगाया तो वो दोनों कलर्स एक दूसरे में ब्लेंडेड होनी चाहिए, अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए. वही मैं यहाँ आई मेकअप पे करूँगी. जो मेरे ट्रांजिशन शेड थे जिसे मैंने अपने क्रीज को डिफाइन किया था उसके साथ पिंक कलर के आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करूँगी. एंड अपने क्रीज को कट करने के लिए मैंने वही सेम कंसीलर यूज़ किया है. तो आप जब क्रीज कट करते हो तो बहुत लाइट कंसीलर, मतलब कि कंसीलर की जो क्वांटिटी है बहुत कम लो ताकि वो क्रीज ना बने. तो आप लाइट से पहले एक गाइडलाइन ड्रॉ कर लो एंड फिर आप इसको अच्छे से फिल कर लो. मैंने भी यहाँ पे वही किया था. गाइडलाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसको अच्छे से फिल कर लूँगी. कॉर्नर्स पे ब्राउन कलर की आई शेडो जिसे मैंने ट्रांजिशन शेड डिफाइन किया था, क्रीज को डिफाइन किया था, वही सेम कलर से मैं अपने आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा वही सेम पिगमेंट डालूंगी. थोड़ा उसको ब्लेंड करूंगी अपने कंसीलर के साथ और ब्लेंड के बाद ये और अच्छी दिख रही थी. फिर साथ में मैंने पिंक कलर का आई शेडो डाला जो कि मैंने ऊपर में लगाया था ट्रांजिशन शेड के साथ. वही सेम पिंक कलर के आई शेडो को आउटर कॉर्नर पर लगाऊंगी. एंड जब आप कंसीलर यूज़ करते हो एंड क्रीज कट करते हो तो डायरेक्ट से आप अगर पिगमेंट डालोगे पाउडर से बिना लॉक किए तो उसकी पिगमेंट काफ़ी अच्छी आएगी. तो मैंने भी यहाँ पे सेम सिमरी शेड लिया है जो कि मैंने सुगर की पैलेट से ली है. आपको मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना. बहुत अच्छी पैलेट है, बहुत पिगमेंटेड है, तो कलर्स भी बहुत काफ़ी पॉप होके दिख रहे थे. इससे मैंने अच्छे से क्रीज को डिफाइन किया. देखो आप जब ये सिमर लगा रहे होते हो तो बहुत अपने हैंड पे कमांड रखोगे ताकि जो आपने लाइन्स बनाई है वही लाइन्स पे आप ग्लिटर्स को स्टिक करो. विंग लाइनर ऐसी लाइनर है ना कि बहुतों को प्रॉब्लम आती है, स्पेशली बिगनर को. तो देखो मैंने बहुत अच्छी टेक्निक से बताई है. सबसे पहले आपको एक गाइडलाइन बना लेनी है. अगर आप गाइडलाइन में मिस्टेक कर देते हो तो आप उसको ठीक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंसीलर. लेकिन अगर आप पूरी ही फिल कर लोगे, पूरा विंग बना लोगे, तो आपकी जो मिस्टेक हो जाएगी फिर आप उसको कितना भी इरेज करो ना एक ब्लैक पैच तो आ ही जाती है. तो आप ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट आप गाइडलाइन ड्रॉ करिए एंड देन उसको अच्छे से फिल करिए. मैंने भी यहाँ वही किया, पहले गाइडलाइन ड्रॉ करी थी उसके बाद इसको अच्छे से फिल करूंगी. अपने फ्रंट में आप जरूर ब्लॉक लाइनर लगाओगे. ब्लॉक लाइनर लगाने से क्या होती है कि आपके आई को एक
कैटी काइंड ऑफ इफेक्ट मिलता है एंड बहुत अच्छी भी लगती है दिखने में। तो मैं जो अभी लगा रही हूँ ये है ब्लॉक लाइनर, इसको हम ब्लॉक लाइनर कहते हैं। एकदम पतली सी टियर डक के पास से आपको लाइन ड्रॉ करनी है एंड ऊपर वाले विंग से अटैच करना है। जब मैं ऊपर जो मैंने लाइनर लगाई थी उसके साथ उसको अटैच करूँगी। एंड आप देख सकते हो आई पे कितना ज़्यादा चेंजेस आ गया ओनली ब्लॉक लाइनर लगाने के साथ। फिर मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन शेड जो मैंने ऊपर लगाया था वही सेम ब्राउन से लोअर लैश पे स्मज करूँगी। एंड जो आप लाइनर को स्मज करोगे गाइस काफ़ी अच्छे से करना, क्योंकि वो दिखती नहीं, स्मज करते करते काफ़ी लंबी स्मज हो जाएगी और गंदी लुक आ जाती है पूरी। तो आप थोड़ा वहाँ पे फोकस करना और अच्छे से ध्यान से करना ताकि आपका आई मेकअप पूरा ख़राब ना हो जाए। फिर मैंने वहाँ पे अपने कैट लाइनर जहाँ लगाया उसके जस्ट पास थोड़ा सा सिमर डाला था, सेम सिमर जो मैंने ऊपर लगाई थी क्रीज के पास। गाइज आप ब्रोज को ज़रूर डिफाइन किया करो। आप देख सकते हो ब्रोज डिफाइन करते के साथ कितना ज़्यादा लुक अच्छा लग रहा है। आप नॉर्मल आई मेकअप करो या हेवी ब्रोज एंड टियर डक्ट को ज़रूर हाईलाइट किया करो। अब मैं कोल यूज़ कर रही हूँ जहाँ पे मैंने अपर लैश एंड लोअर वाटर लाइन पे भी लगाई है। तो इसके लगाने के बाद आपकी जो लुक है ना वो पूरी एक इवन लुक दिखती है, अलग से विंग लाइनर नहीं दिखती। तो ये अच्छे से लगा लो आप। फिर मैं लगाऊंगी मस्करा एंड मेरे उतने अच्छे लैसेस नहीं है तो मैं थोड़ा फेक लैसेस लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आप चाहो तो लगा सकते हो, वरना आप मस्करा का ही दो तीन कोट लगाने के बाद आपके अगर अच्छे लैसेस हैं तो यू आर गुड टू गो। तो आप पे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप ये ब्राइड्स पे दे रहे हो तो ऑब्वियसली लगाओगे ही लगाओगे लैसेस। लैसेस लगाने के बाद लुक काफ़ी अच्छी लग रही थी, अच्छी लग रही है आपको, देन आप सोच क्या रहे हो। जाओ सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो मेरे वीडियो को। Yeah, that was pretty much it for the day. I'll see you with the new one.